मोदी जी की नीयत की तरह थोड़ा खराब हो गया। साथियों, इस एल्गार परिषद के सारे आयोजक मंच पर उपस्थित सभी साथी सोनी सोरी जी, माता राधिका वेमुला जी, उमर खालिद, जस्टिस पाटिल साहब, प्रकाश अंबेडकर जी, मैंने पहले ये साथी विनय ने बात की, वो भीम आर्मी के साथी जो कल्चरल टीम ने परफॉर्म किया, और आप सभी भाई बहन, आप सभी को मैं बड़ा क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा है कि मंच पे नहीं है तब भी एक साथ 8-10 मिनट से ज्यादा बात मत कीजिए, उतना कुछ डैमेज मेरे गले में हुआ है, उतना मोदी जी को सुना है 2 साल में। लेकिन कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो पिछले 2-3 दिन से उमर को, मुझे और कार्यक्रम के आयोजक सभी को यह सूचना मिल रही थी कि कुछ संगठना के लोग ऐसा ऐलान कर रहे थे कि जिग्नेश को आने नहीं देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। ऐसा मैसेज हमको भी मिला। उनको यह कहना चाहेंगे कि तुम्हारे मोदी और अमित शाह से नहीं डरे तो तुम तो अभी बच्चों हो। तो गुजरात के साथ साथ पूरे देश में 56 इंच के सीनों को फाड़ कर रख देंगे। और हमको कोई पूछ रहा था कि ये नियो पेशवाई, ये नव पेशवाई क्या है, तो साथी उमर ने बड़ा सही पकड़ा। किस देश के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब 2009 में कर्मयोगी नाम की किताब लिखी, और उस किताब में वो कहते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, वो उनका मूल तत्व है। तो कर्मयोगी नाम की किताब में लिखते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। ये है नव पेशवाई। और इसीलिए साथी उमर खालिद की बात में सुर पुराते हुए इस एल्गार परिषद के मंच पर से भीमा कोरेगांव के उन शहीदों को, उस संघर्ष को, उस स्पिरिट को याद करते हुए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को आह्वान करूंगा कि आप भी एक बार पुनः आइए और गटर में उतरिए और उस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए, ताकि इस देश की जनता को पता चले कि नव पेशवाई क्या है। यही है नव पेशवाई। जब इस देश की गरीब जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है, तब आप घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता की बात करते हैं। जब इस देश की जनता किसानों के लिए फसलों के सही दाम की बात करती है, विदेशी बैंकों में पड़े 15 लाख की बात करती है, या 2 करोड़ बेरोजगार युवा के लिए रोजगार की बात करते हैं, तब आप करते हैं घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता की। लेकिन 150 सीटों का घमंड लेकर पूरे गुजरात में जो घूमते थे, हमने साथ मिलकर सड़कों की लड़ाई के चलते जन आंदोलन के जरिए उनके 150 सीटों के घमंड को 99 पे लाकर खड़ा कर दिया। और यदि इस नव पेशवाई को समझे और इस बात को समझे कि हरा हो, नीला हो, लाल हो, मेघधनुष का चाहे कोई भी रंग, सारे रंगों से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर,
जब इस देश की जनता किसान और मजदूर बनकर युवा बनकर बात करेगी तब 2019 में भी उनको डबल डिजिट पे ला देंगे। और साथी विनय ने सही कहा, अब तो हम भी विधायक हो गए हैं। तो हमको कोई पूछ रहा था कि असेंबली में क्या सवाल पूछोगे, तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने एक बार ऐसा कहा कि राम के वाण और इसरो के मिसाइल में इक्वल पावर है। तुम असेंबली में पूछेंगे कि स्पीकर महोदय कृपया बताइए कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके चलते राम के बाण में इसरो के मिसाइल जैसा पावर आता था। लेकिन साथियों आज नव पेशवाई की इस दौर में ज्यादातर दलित और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग यहां पर मौजूद है, आप सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखना चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ देर पहले इस कल्चरल इवेंट जो इस स्टेज पे परफॉर्म की गई और भगवा रंग के कपड़े पहने हुए जिस व्यक्ति को घसीट कर ठोका गया, वो मेरे लिए सुनिएगा केवल ब्राह्मण नहीं है, वो मेरे लिए मुकेश अंबानी है। क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी ब्राह्मणवादी कोई ताकत है तो अनिल और मुकेश अंबानी है। इस देश की सबसे बड़ी कोई ब्राह्मणवादी ताकत है तो वो गौतम अदानी है, वो अदानी अंबानी और एस्सार है। मोदी और भागवत तो है ही है। तो मनमाड़ के 1938 के रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान जो भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था वो याद कीजिए कि इस देश के दलित और इस देश के श्रमजीवी वर्ग के दो प्रमुख शत्रु है, एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। और इसीलिए हम कहते हैं हर जनसभा में कि मोहन भागवत के पेट के ऊपर जो चर्बी चढ़ी है वह मुकेश अंबानी के घर की मलाई चाट कर चली। तो यदि इस नव पेशवाई को समझना है तो गुजरात मॉडल को भी समझना होगा और हम इसी मॉडल का भांडा फोड़े। गुजरात में 2002 के दंगे हुए, तब से लेकर आज तक गुजरात और इस देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करने की साजिश हुई। उसी षड्यंत्र साजिश के तहत लगातार 22 साल तक कॉम्युनल वॉमिटिंग किया गया, गंद मचाई गई, बकवास किया गया 22 साल तक मुसलमानों के सामने, दलितों को टॉर्चर किया गया। और जब जनता जनता न रहते हुए, जब नागरिक नागरिक न रहते हुए हिंदू और मुसलमान में बट गए तो पिछले दरवाजे से गुजरात की सारे जमीन, सारे मिनरल्स और सारे संसाधन अदानी अंबानी और एस्सार की जेब में डाल दिए। ये हमको समझना, ये है इस वक्त की नव पेशवाई। इसी नव पेशवाई के सामने संघर्ष करने वाले, इसी नव पेशवाई के सामने बोलने वाले हमारे भाई और क्रांतिकारी साथी रोहित वेमुला की हत्या कर दी गई और इसी के सामने संघर्ष करने वाले भीम आर्मी के साथी चंद्रशेखर रावण को आज जेल में डाल दिया। और आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि विधायक बना हूं इस जनता के प्यार और मोहब्बत के चलते, लेकिन मैं केवल 2% पॉलिटिशियन हूं, 98% तो मैं आंदोलनकारी हूं और वही मेरी असली पहचान है। और आप सभी युवा जो मुझसे प्रेरित हुए हैं, आने वाले दिनों में होने वाले, उन सभी को यह बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं साफ तौर पे यह मानता हूं कि यदि इस देश में कभी क्रांति होनी है तो असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं होगी,
सड़कों की लड़ाई के चलते होगी, जन आंदोलन के चलते होगी। और यही जनता की लड़ाई और सड़कों की लड़ाई नौ पेशवाई को खत्म करेगी। और वही मैसेज और वही प्रेरणा भीमा कोरेगांव के अपने आंदोलन से लेनी है। आज गुजरात की जनता ने और गुजरात में जितने भी लोग सड़कों पर उतरे, किसान और मजदूर की बात की, दलित और मुसलमान की बात की, इंसानियत की बात की, इंसाफ की बात की, न्याय की बात की, सच्चाई की बात की, लोकतंत्र की बात की, संविधान और संविधान के मूल्यों की बात की, उसके चलते इतना तो हुआ है कि अब गुजरात को कोई वाइब्रेंट कहने की हिम्मत नहीं करता। और ये पॉलिटिक्स हमको समझना होगा। 4 साल और 11 महीने तक मोदी जी विकास की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव का 1 महीना बाकी है तो राम वर्सेस हज उनको याद आता है। रूपानी, अमित शाह और मोदी, यानी कि राम, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, यानी कि हज। काश उनके दिमाग के अंदर घुसकर कोई स्वच्छता का अभियान चलाता, थोड़ी गंदगी कम होती। और हमको हराने के लिए गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने जनसभा की, जहां से हम चुनाव लड़ रहे थे। सीएम गुजरात राज्य के, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की, अमित शाह ने जनसभा की, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। मुझे लग रहा था, अरे भाई मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि उनको मालूम है यदि ये बंदा एक बार असेंबली में घुसा तो इतनी धुलाई करेगा। और हम इसीलिए अंदर गए, और हम भी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि कब बजट सेशन आए। लेकिन साथियों, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तब जनता के बीच में एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहते थे, और वो ये थी कि यदि आपने मुझे वोट दिया या ना दिया, यदि इस सीट पर से मैं चुनाव हारा या जीता, दोनों स्थिति में आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए आपके संघर्ष में सदैव आपके साथ रहूंगा। और साथ ही विनय, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि 18 तारीख को चुनाव का नतीजा आया, दो राज्यों के सीएम और इस देश के प्रधानमंत्री की जनसभाओं के बावजूद 20,000 वोट की लीड के साथ हम जीते। और उसके दूसरे दिन जाकर बनासकांठा जिले के कलेक्टर के ऑफिस के पास धरने पर बैठे और कहा कि हम दूसरे विधायकों की तरह केवल असेंबली में सवाल नहीं पूछेंगे, तुम्हारी कचेरी को, तुम्हारी ऑफिस को घेरेंगे। और दूसरे दिन से काम चालू। तो नौ पेशवाई के सामने यदि हमको जीतना है, भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई को आगे ले जाना है, उस संघर्ष को आगे ले जाना है, उस संघर्ष से यदि प्रेरित होना है, तो चुनावी राजनीति से नहीं होता। मैं मानता हूं कि जनता की लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोग गुजरात की, महाराष्ट्र की, यूपी की असेंबली में होने चाहिए, इस देश के पार्लियामेंट में भी होने चाहिए, लेकिन जाति निर्मूलन तो सड़कों की लड़ाई से होगा। एक वर्ग का दूसरे वर्ग का ऊपर जो शासन है, वो शासन सड़कों की लड़ाई से खत्म होगा। और इसीलिए मेरी बात को खत्म करते हुए आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा कि 2019 में एक महासंग्राम होने वाला है, और इस देश में जितने भी प्रो पुअर लोग हैं, चाहे कोई भी विचारधारा में मानते हो, उन सभी को एक मंच पर आना होगा। चाहे वो लोग जो जय भीम कहते हैं, चाहे वो लोग जो नमो बुद्धाय कहते हैं, चाहे वो लोग जो लाल सलाम कहते हैं, चाहे वो लोग जो किसी रंग की बात नहीं करते, चाहे वो लोग जो राम में मानते, अहिम में मानते, बुद्ध में मानते, कबीर में मानते हैं, या उमर की तरह नास्तिक, या मेरी तरह नास्तिक,
उन सभी को आपसी मतभेद से ऊपर उठकर, और यदि नहीं उठ पाते तब भी आपसी मतभेद को रखकर भी एक मंच पर आना है। क्योंकि हेगड़े कह चुका है कि भाजपा की केवल अब एक ही मंशा है, संघ परिवार के इशारों पर इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जाए और इस देश के संविधान को बदला जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि गुजरात में तुम्हारे 150 सीटों के घमंड को यदि 99 पे लाकर खड़ा किया है तो 2019 में भी तुमको हरा के दिखाएंगे। और जो बालक हमको यहां रोकना चाहते थे उनको कह देते हैं कि यदि 14 अप्रैल को हम अहमदाबाद में नहीं रहे तो नागपुर में आएंगे, और नागपुर के मंच पर से घोषणा करेंगे संघ समाप्ति सम्मेलन के जरिए। और कहेंगे कि तुम्हारी औकात है तो संविधान बदल के दिखाओ, हमारी ताकत होगी तो संविधान के मूल्यों को बचाकर दिखाएंगे। क्योंकि यदि सावित्रीबाई फुले की विचारधारा में मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा में मानते हैं, तो साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह की सोच में भी यकीन रखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि वक्त आने दे तुझे बता देंगे वासमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो वैसे भी मोदी जी को हम तो हिमालय भेज रहे हैं। हमको कुछ पत्रकार पूछ रहे थे भाई क्यों बहुत पका दे इतना झूठ, इतनी जुमलेबाजी, इतना पकाऊ और बोरिंग आदमी कभी देखा? मुझे तो कन्हैया को सुनने में दिलचस्पी है, मुझे तो उमर और विनय को सुनने में दिलचस्पी। मोदी जी बहुत पका सकते। किसी ने बोला हिमालय क्यों, मैंने ठीक है नैनीताल चले जाए, जगह वो पसंद करने के लिए हमारा भीजा मत खाए। सचमुच बोर करते हैं ना, बहुत बोरिंग हो चुके हैं ना, बहुत पकाते हैं ना। मुझे किसी ने बोला कि मोदी जी के भाषणों का सार क्या है, बोले क्या कहते वो एक ही लाइन कहते थे, कल 5 तारीख है, कल 5 तारीख थी, आज 6 है, परसों 7 होगी। तो उसके अलावा हाँ भाइयों बहनों भी कहते हैं, भाइयों बहनों एक दिलचस्प बात है, हम जहां से चुनाव लड़े वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बनासकांठा, तो वहां पर 6 साल पहले आए थे और कहा भाइयों बहनों तुम बनासकांठा के किसानों, तुम हैंडपंप चलाओ, वहां से खनिज तेल निकलेगा, 125 करोड़ जनता का तेल निकल गया, बनासकांठा में पीने का पानी तक नहीं आया। तो साथियों मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आज जिस प्रकार से आपने उत्साह और ऊर्जा दिखाई है, जिस प्रकार से माता राधिका वेमुला लड़ रही है, जेल के अंदर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, जेल के बाहर साथी उमर और विनय प्रताप लड़ रहे हैं, किसान और मजदूर लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है यदि हम सारे लोग एक बार भी एक हो गए 110% केस में मोदी जी को घर बिठाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के संविधान को बचाएंगे। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कर्नाटका में भी चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में भी चुनाव आ रहे हैं, सारी वो संस्थाएं, सारी वो संगठना, सारी वो पॉलिटिकल पार्टियों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे मतभेद भूलकर एक मंच पर आ जाओ। चुनाव में कौन जीतेगा कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है, भाजपा हारना चाहिए इसमें मुझे दिलचस्पी, और इसलिए हारना चाहिए क्योंकि ये फांसीवादी ताकत है।
ये वो ताकत है जो हिटलर और मुसोलिनी की फिलोसोफी में यकीन रखते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो सावरकर और गोलकर में मानते हैं, दूसरी तरफ हम वो लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर में मानते हैं। तो साथियों, 2019 में जो महासंग्राम होने वाला है, उस महासंग्राम के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए और भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई में से यही सीखे कि पेशवाई हो या नौ पेशवाई, एक हो गए तो दोनों को मजा चखाएंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।